हेलो, कैसे हो बच्चों? सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। देयर आफ्टर वी विल डिस्कस स्फेरिकल लेंस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल। सो आज की क्लास में, आप पिछली क्लास में जैसा कि हमने पढ़ाया था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, और आज एक उसमें और छोटी सी एक्सपेरिमेंट जोड़ते हैं कि रिफ्रैक्शन अगर ग्लास स्लैब से हो या मोर देन टू मीडियम से हो तो क्या होगा। जैसे एयर, ग्लास, वाटर हो तो क्या होगा, या ग्लास ही है तो पहले एयर, फिर ग्लास, फिर एयर, ऐसा हो तो क्या होगा। तो आइए इसको सीखते हैं और इसको आज डिसाइड करते हैं कि कैसे यह होगा। सो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ये हमारा आज का टॉपिक है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ये ग्लास स्लैब है मान लेते हैं, और इस पे हमें इसके जरिए रिफ्रैक्शन करना है। तो टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब, ये एक्सपेरिमेंट आप अपने स्कूल में भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट हमने लिया, और रे ऑफ लाइट यहाँ से आया और यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ तो यहाँ पे एक नॉर्मल भी हम ले सकते हैं, ये ग्लास स्लैब पे एक नॉर्मल लिया हमने, और नॉर्मल क्या है कि ये इंटरफेस पे नॉर्मल है। नॉर्मल यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा, तो एंगल बनाएगा यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब जैसा कि आपको पता है कि ये सीधे न जा करके क्या होगा, थोड़ा सा डाइवर्ट होगा। ये जो है इसको अगर और थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, ठीक है, तो ये आ चुकी पहले है एयर, एयर है और ये इधर जाएगा नहीं, है ना, इधर नहीं जाएगा, ये ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ऐसे जाएगा नहीं। और ये क्या होगा, पहले है एयर, एयर है ये तो रेयर मीडियम है, ये है ग्लास तो रेयर से डेंसर में जा रहा है, रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो क्या होगा, ये मूवमेंट होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये यहां से ऐसे बेंड होकर के और इधर की ओर आएगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे आएगा और यहां पर आकर के फिर इसको आगे जाना चाहिए था, ठीक है, और ये आगे जा करके ये भी आगे जाना चाहिए था, बेंड होकर के थोड़ा सा बेंड हुआ है नॉर्मल से, तो ये आगे जाना चाहिए था लेकिन ये भी आगे ना जा करके क्या होगा कि ये थोड़ा सा अवे होगा फिर यहां से, क्यों, क्योंकि ये रेयर से कहाँ जा रहा है, डेंसर से कहाँ जा रहा है, रेयर में। तो यहां पर जो नॉर्मल होगा, यहाँ पे जो नॉर्मल होगा उस नॉर्मल से ये दूर भागेगा, है ना, इस नॉर्मल से ये दूर भागेगा, इस नॉर्मल से ये क्या होगा, थोड़ा दूर भागेगा। और दूर भागने का मतलब ये हुआ कि ये जो रे है ये बिल्कुल ऐसे जाएगा, थोड़ा सा दूर भाग, ऐसे जाएगा, यानी ये जो रे है, ये रे है और ये रे है, ये दोनों क्या होंगे, फाइनली जाके पैरेलल होंगे। ये जो रे है आपका, ये आगे जा करके ये इसी तरह से पैरेलल एक्सटेंड होगा, मतलब ये समझ लो कि यहां से ये एक रे होगा जो क्या होगा, इसके चेक पैरेलल होगा, ये रे इसके पैरेलल होगा,
ये दोनों ही पैरेलल होंगे, यानी ये और ये पैरेलल होंगे। अगर ऐसा मैं मान लूं कि ये सारे के सारे इसी के पैरेलल जाना थे, तो इस हिसाब से ये सारे के सारे जो हैं ये इसके पैरेलल होते, ठीक है ना, ये पैरेलल होते फाइनली, ये रे और ये रे पैरेलल होते। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये एयर है, ये ग्लास है, ये एयर है, ठीक है। तो एयर से अगर निकला इंसिडेंट हुआ और एयर में ही अगर रिलीज हुआ, तो ये जितना ये टुवर्ड्स नॉर्मल यहाँ पे हुआ होगा, उतना ही यहाँ अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सेम। तो इस रे को कहते हैं इंसिडेंट रे, इस रे को कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, और फाइनली जो बाहर निकला उसको हम कहते हैं इमरजेंट रे, इमरजेंट रे। इस रे को हम कहते हैं इमरजेंट रे, ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पे जो एंगल बना उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, चूंकि दोनों ही क्या है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, बट ये भी आर के बराबर ही होगा, है ना। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है, I1 और R दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल बराबर होंगे। और ये एंगल ऑफ इमरजेंस कहलाता है, E, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। तो ये बात आपको दिमाग में रखना है, और ये कि अगर एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाता है और दूसरे मीडियम से फिर पहले मीडियम में आता है, तो टोटल डेविएशन जो होगा वो तो कुछ नहीं होगा, पैरेलल शिफ्ट होगा। पहले ये यहां से यहां तक जाना था, अब यहां से यहां तक आ गया, तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, पैरेलल शिफ्ट हो गया, ये जो है ये पैरेलल शिफ्ट हो गया, दोनों के बीच में पैरेलल शिफ्ट हो गया, कि जाना पहले उस डायरेक्शन में था, डायरेक्शन में चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन तो सेम रहा, बट ये शिफ्टिंग हो गई, दैट इज कॉल्ड पैरेलल शिफ्ट। इसको हम कह सकते हैं पैरेलल शिफ्ट, पैरेलल शिफ्ट, शिफ्टिंग हो गई, और यहां से जिस ओरिजिनल जगह पे जाना था उस जगह पे ना जाके, डायरेक्शन तो पैरेलल ही है, सेम है, बट शिफ्टिंग हो गई है ओरिजिनल से। इसको कहेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। ध्यान रहे कि ये जो है, अब यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कहूं, ध्यान से देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये होगा स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, यही होता है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास, ये एक इक्वेशन हो गया। इसी तरह से अब यहाँ पे ग्लास से कहाँ जा रहा है, एयर में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास अगर करें, तो ये क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम यानी वेलोसिटी इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी इन एयर, ये दूसरा हो गया। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, म्यू जी ए मल्टीप्लाई बाई म्यू ए जी, तो ये हो जाएगा वी ए बाई वी जी इंटू वी जी बाई वी ए, वेलोसिटी, वेलोसिटी इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी इन एयर, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो क्या बच गया, वन, यानी म्यू जी ए इंटू म्यू ए जी इज इक्वल टू वन। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, दोनों के प्रोडक्ट क्या हैं, वन है। इसका मतलब हुआ कि म्यू जी ए इज इक्वल टू अपॉन म्यू ए जी, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। अगर ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में पूछा जाए और एयर का ग्लास के रेस्पेक्ट में पूछा जाए, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ये जानकारी के लिए बता दिया, ये स्कूल के सिलेबस में नहीं है, आप इसको नहीं भी याद रखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जानकारी थी जो आगे जाके इस्तेमाल होगी, और जो लोग फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है, तो वो लोग नोट कर सकते हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको, पहले यहां से नोट कर लीजिए। डायग्राम बना लीजिए,
और उसके बाद इसको नोट कर लीजिए। हम थोड़ी देर वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, अच्छा नोट कर चुके हैं। ओके, नाउ हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल लेंस। सबसे पहले लेंस क्या होता है ये समझते हैं, फिर स्फेरिकल लेंस समझेंगे। लेंस क्या होता है, और इवन स्फेरिकल लेंस भी सीधे सीधे बात कर सकते हैं। लेंस इज ए पार्ट ऑफ, लेंस इज ए पार्ट ऑफ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर व्हिच बोथ द सरफेस आर रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो लेंस इज ए पार्ट ऑफ सॉलिड स्फीयर। कोई सॉलिड स्फीयर का एक पार्ट, अगर मैं ये कहूं कि एक हमने ये सॉलिड स्फीयर लिया है और इस सॉलिड स्फीयर का एक पार्ट ले लिया जाए कोई भी, तो ये एक लेंस होगा। यहां पे अगर मैं ये कर लूं कि ये कट गया और ये पूरा सॉलिड स्फीयर है, तो इसलिए ये पार्ट जो हो गया, तो ये पार्ट क्या है, कैसा होगा, तो ये एक स्फेयर की तरह होगा, स्फेयर का ऐसा होगा पार्ट। तो ये एक इस तरह का पार्ट मिलेगा, ये सब सॉलिड होगा, ये सब के सब क्या होगा, इसमें भरा हुआ होगा, ये सब भरा हुआ। तो इस तरह का एक सॉलिड, ये जो पार्ट है ये सारा सॉलिड है। तो इधर से भी लाइट जाएगा तो क्या होगा बताइए, इधर से जब लाइट जाएगा, इसमें कोई रे ऑफ लाइट इधर से जाएगा, तो वो एक रेयर मीडियम से कहाँ जाएगा, डेंसर मीडियम की ओर जाएगा। एक रे ऑफ लाइट जाएगा तो इसमें रेयर से डेंसर की ओर जाएगा, तो यहाँ पे एक रिफ्रैक्शन होगा, होगा ना, और फिर यहाँ पे डेंसर से रेयर जाएगा तो वहां पे एक रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस हेयर ऑल्सो, रिफ्रैक्शन यहाँ होगा और रिफ्रैक्शन यहाँ भी होगा। तो रिफ्रैक्शन जो होगा वो कितना होगा, यहां से अगर चूंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जा रहा है तो ये तो सीधे जाएगा, इसमें रिफ्रैक्शन होगा, नॉर्मल की ओर ही मुड़ेगा, तो नॉर्मल की ओर मुड़ेगा यहाँ पे और ये जाएगा। अब इस पे बात करते हैं कौन किधर कैसे जाएगा, लेकिन ये लेंस क्या है, एक पार्ट ऑफ सॉलिड स्फीयर है। अगर दो सॉलिड स्फीयर के कम्बिनेशन को कंबाइन किया जाए तो उनके कम्बिनेशन से जो लेंस बनेगा उनको हम अलग अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर ये मैं कहूं, ध्यान से देखें कि एक स्फेयर ये है और एक स्फेयर ये है, दो स्फेयर ले लू और दोनों के कम्बिनेशन से बनाया जाए लेंस सॉलिड स्फेयर के, ऐसा हो अगर एक ये है और एक दूसरा इसी तरह का लेंस ले लिया जाए और ये ज्वाइन करें, ऐसा। ठीक है, और इन दोनों के कम्बिनेशन, कम्बिनेशन क्या हुआ कि ये अगर ये सॉलिड स्फेयर है तो ये जो हिस्सा मिल रहा है इसमें, ये हिस्सा, ये एक कहलाएगा क्या, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये कहलाएगा एक लेंस। और इस लेंस में खास बात क्या होगी, तो इस लेंस में खास बात ये होगी कि इसके दोनों ही सरफेस जो होंगे वो किस तरह के होंगे। अगर ये मैं कहूँ इसको हटा दिया जाए और इधर से भी इसको हटा दिया जाए, तो ये एक लेंस मिल गया। इस लेंस की खूबी क्या है कि इसके दोनों ही सरफेस जो है वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ध्यान से देखिए, कोई बात नहीं, इधर भी क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो दोनों ही रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे कि इसको कहेंगे कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस। क्या कहेंगे, कन्वेक्स लेंस। इसी तरह से अगर कॉम्बिनेशन ऐसा बन जाए कि ये दो लेंस है, एक स्फेयर ये है, एक स्फेयर ये है,
और इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन हो जाए, ऐसा कॉम्बिनेशन हो जाए, तो इसका ये सरफेस, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है? कनकेव है, कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और इस इधर से भी कनकेव है, कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस का क्या है? कनकेव है, तो इनको कहेंगे कनकेव लेंस, कनकेव लेंस। ठीक है, तो दो तरह के लेंस होते हैं, एक कनकेव लेंस और एक होता है कन्वेक्स लेंस। ये चूंकि रिफ्रैक्टिंग सरफेस दोनों तरफ से उठा हुआ है, इसलिए इसको कहेंगे कन्वेक्स लेंस और इसको कहेंगे कनकेव लेंस। तो लेंस क्या होता है? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड स्फेरिकल ग्लास। ठीक है, लेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, अब हम लिख सकते हैं डेफिनेशन ऐसा कि लेंस इज नथिंग, लेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड स्फेरिकल ग्लास, स्फेरिकल ग्लास हुज बोथ सरफेस, हुज बोथ सरफेस आर रिफ्रैक्टिंग सरफेस, हुज बोथ सरफेस आर रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो ये लेंस के बारे में कहा जा सकता है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड स्फेयर। अगर एक स्फेयर ऐसा है, एक स्फेयर ऐसा है, तो ये स्फेयर का पार्ट है, एक ये स्फेयर का पार्ट है, तो ये हो गया ये कन्वेक्स। और अगर एक स्फेयर ऐसा है, दूसरा स्फेयर ऐसा है, और इन दोनों को यहां से ज्वाइन कर लिया, तो ये जो सरफेस मिलेगा वो कहलाएगा कनकेव। तो एक कनकेव हो गया और एक कन्वेक्स हो गया। लेंस दो तरह के होते हैं, एक कनकेव लेंस और दूसरा कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो अब बारी बारी से इस पे बात करते हैं। पहले बात करते हैं कन्वेक्स लेंस की, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, जैसा कि हमने कहा कि इट इज ए पार्ट ऑफ टू सॉलिड स्फेयर, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड स्फेयर, एक स्फेयर ये है और इसी तरह का एक दूसरा स्फेयर भी ले लेते हैं, तो ये दो लेंस हो गए, तो उसको ज्वाइन कर दिया, थोड़ा सा चौड़ा इसलिए दिखाया कि आपको समझ आए। और ये चूंकि ये भी एक स्फेयर है और ये भी एक स्फेयर है, तो दोनों के एक एक सेंटर होंगे। इसके सेंटर को मान लेते हैं C1, इसके सेंटर को मान लेते हैं C2। तो ये दो सेंटर होंगे, दो सेंटर होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर दो होंगे। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर दो होंगे तो इनसे पास करने वाली जो, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इनसे पास करने वाली जो लाइन होगी उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जब हम कर लेंगे तो ये हटा देते हैं, ये जो होगा वो नहीं रहेगा, है ना। अब ये कॉम्बिनेशन है, ये आपको, ठीक है, तो जिस स्फेयर का ये पार्ट है उसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और इसका भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, ये भी कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। ठीक है, इसको कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और ये जहां पे मिलते हैं, ये लेंस जहां पे इनके बीच का ये जो सेंटर होगा दोनों का, ये सेंटर को कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर, इसको कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। तो इसमें दो पोल भी होंगे, अब इस का ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होगा वो कहलाएगा P2 और ये कहलाएगा P1, ये कहलाएंगे पोल, पोल यहाँ पे कह सकते हैं, ये इनका ज्योमेट्रिकल सेंटर है। लेकिन चूंकि लेंस इतना थिन होता है, तो इन दोनों के बदले ये ऑप्टिकल सेंटर से ही हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं, न कि P1 और P2 से। तो डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया जाता है? ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक
है ना, ये वैसे P1 P2 होता है लेकिन ये बहुत थिन होता है, इसलिए जो डिस्टेंस मेजर की जाती है वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाती है, इसको ओ मानते हैं। ठीक है, तो जब दो सी होगा, दो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो दो फोकस भी होगा। इस सरफेस का फोकल लेंथ इधर होता है और इस सरफेस का फोकल लेंथ इधर होता है, तो दो फोकल लेंथ भी होता है, F1 और F2। ये सारी बात दिमाग में आपको होनी चाहिए, ये है फोकल लेंथ, फोकस। ठीक है, यहां भी है फोकस। तो बाकी सारी चीज सेम है कि अगर O से C1 के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, O से C1 के डिस्टेंस को हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, R1, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। ठीक है, O से C2 के डिस्टेंस को कहेंगे R2, ये भी है रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। ठीक है, इसी तरीके से आप O से F1 को क्या कहेंगे, F1 फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। और इसी तरह से O F2 को क्या कहेंगे, F2, ये भी क्या है, फोकल लेंथ। तो मोटे तौर पे कन्वेक्स लेंस में ये दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो चाहे कनकेव लेंस हो, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, दो फोकस होता है, एक ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये सारी बातें होती है और इस सब बातों को आपको दिमाग में रखना चाहिए। इसी तरह से अगर कनकेव लेंस की बात करें तो ये कनकेव लेंस होता है इस तरह का, है ना, तो इस तरह का कनकेव लेंस है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। तो इधर में एक C1 हो, C2 होगा, इस स्फेयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो स्फेयर होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 होगा, तो इनका फोकस होगा इधर F1, इधर में फोकस होगा F2। तो हर एक चीज दो दो होते हैं क्योंकि ये दो स्फेयर का कॉम्बिनेशन होता है, इसको बाई कनकेव, दोनों सरफेस क्या है, कनकेव है, तो इसको बाई कनकेव लेंस भी कहते हैं। उसी तरह से जिसका दोनों सरफेस कन्वेक्स है उसको बाई कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, दोनों कनकेव कन्वेक्स है। तो ये है ऑप्टिकल सेंटर। अब इस लेंस में क्या होगा कि कोई भी रे अब इधर अगर जाए तो क्या होना चाहिए, उसमें दो सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होने की वजह से रिफ्रैक्शन दो जगह पे होगा। तो अब इन फोकस को डेफिनेशन करते हैं कि फोकस कैसे होगा, तो फोकस ऑफ, हम बात करते हैं फोकस ऑफ लेंस। ठीक है, फोकस ऑफ लेंस क्या होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं कनकेव लेंस की, कन्वेक्स लेंस की बात कर लेते हैं पहले, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, क्या होता है इसमें कि ऐसा ही अगर हम कन्वेक्स लेंस बनाए, ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और इस कन्वेक्स लेंस में ये आप समझ लीजिए कि ये जुड़ा हुआ है, और इसमें यहां पे एक रे ऑफ लाइट, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर हम कोई रे ऑफ लाइट इसमें पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं, जैसे यहां से हमने कोई लिया, तो ये पहले सरफेस पे डिविएट होगा, और पहले सरफेस पे डिविएट होने का मतलब क्या है कि ये जो इसका नॉर्मल होगा, ये जो इसका नॉर्मल होगा, वहां से पहले कहाँ जा रहा है, रेयर से डेंसर की ओर जा रहा है, कहां जा रहा है, रेयर से डेंसर की ओर। तो ये जो नॉर्मल होंगे इनके, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, है ना, तो ये जो नॉर्मल होगा, ठीक है, तो यहां से ये क्या होगा, थोड़ा सा मुड़ेगा, और मुड़ करके ये क्या होगा कि थोड़ा सा यहाँ पे नॉर्मल की ओर मुड़ेगा, मतलब इसको जाना ऐसे सीधे चाहिए था, तो ये थोड़ा सा मुड़ जाएगा। तो ये जो होगा, ये थोड़ा सा मुड़ के इधर न जा करके सीधे जाना था, ये थोड़ा सा मुड़ेगा और मुड़ेगा नॉर्मल की ओर, और नॉर्मल की ओर मुड़ेगा थोड़ा सा, और फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो इसके भी इधर से सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर की वजह से ये
नॉर्मल हुआ। अब ये डेंसर से रेयर में जा रहा है तो नॉर्मल से दूर भागेगा, तो इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ऐसे न जा करके ये दूर भागेगा और यहाँ पे आके मिलेगा। तो इस तरीके से होता है, एक बार फिर से इसको समझ लीजिए कि क्या होता है इसमें, कि रेयर से डेंसर की ओर अगर जा रहे हैं, तो एक बार रेयर से डेंसर की ओर अगर जा रहे हैं तो नॉर्मल की ओर मुड़ेगा, और फिर उसके बाद जो है डेंसर से रेयर में जा रहा है तो नॉर्मल से दूर भागेगा। तो ये अगर मैं मान लूं कि ये एक लेंस है, और इस लेंस में यहां से अगर कोई रे ऑफ लाइट जाता है तो ये नॉर्मल की ओर मुड़ेगा, क्योंकि इसके लिए नॉर्मल यहाँ से आएगा, और फिर यहाँ से, चूंकि इसके लिए नॉर्मल यहाँ से जाएगा तो ये नॉर्मल से दूर भागेगा, तो दूर भाग के फाइनली यहाँ आता है। तो इस दो रिफ्रैक्शन को ना दिखा करके हम एक ही, चूंकि लेंस इतना पतला होता है कि ये हम यहाँ से ही, बीच से ही, ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाने वाली लाइन से ही डेविएशन दिखा देते हैं, लेकिन एक बात तो आपको पता चल गया कि कहाँ जाएगा, ये नीचे की ओर जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर अगर कोई रे ऑफ लाइट लेंगे तो ये भी इसी तरह से डेविएट होगा पहले, और फिर नॉर्मल से दूर भागेगा इसके लिए, तो ये जाकर के यहाँ पे मिलेगा। मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वह अगर हम लाइन लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये जो लाइंस जितनी भी होंगी वो रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पर मिलती हैं, एक पॉइंट पर मिलती हैं, और जिस पॉइंट पर मिलती हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। अगर ये मैं मान लूं कि ये है हमारा कन्वेक्स लेंस, और चलिए बना ही देता हूँ थोड़ा ढंग का, ये कन्वेक्स लेंस है और ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस है मान लेते हैं, ठीक। तो क्या होगा, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, मान लेते, चलिए कोई बात, ठीक है, ओके। नाउ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल अगर कोई, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर ये है, वो है ऑप्टिकल सेंटर, तो यहां से कोई अगर लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये मुड़ने के बाद यहां से होकर के जाएगा, यहां से अगर कोई लाइन लेंगे तो ये भी इधर से होकर के जाएगा। यानी प्रिंसिपल एक्सिस के जितने पैरेलल रे ऑफ लाइट होंगी सब रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे जा करके मिलती हैं, और जिस पॉइंट पे जा करके मिलती हैं उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, उस पॉइंट को हम कहेंगे फोकस, ठीक है, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। ये सब जो पॉइंट है, इसलिए चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है और रियल में मिल रहा है, इसलिए इसको कहते हैं रियल फोकस, रियल फोकस। जबकि मिरर में क्या होता था, ये रियल फोकस नहीं होता था, रियल में ये मिरर में ये वर्चुअल फोकस होता था, लेंस में ये रियल फोकस है, और उसमें ये डाइवर्जिंग मिरर होता था कन्वेक्स, और यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस है, क्योंकि सब एक जगह पे जमा हो रहा है, तो इसलिए इसको कहेंगे कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। ये है कनकेवेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कन्वेक्स लेंस की, कनकेव लेंस की। तो कनकेव लेंस में क्या होता है, कनकेव लेंस में क्या होगा, ये देखो, ये हमने बनाया कि ये लेंस है हमारा, देखिए इस
इसमें भी इसी तरह से दो रिफ्रैक्शन होंगे। एक रिफ्रैक्शन होगा जब यहाँ पे रे ऑफ लाइट कोई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, तो इसके लिए नॉर्मल क्या होगा, इसके लिए सी यहाँ है तो नॉर्मल ये होगा, और नॉर्मल ये होगा तो चूंकि रेयर से डेंसर में जा रहा है, हवा से ग्लास में जा रहा है, तो ये रेयर से डेंसर में जा रहा है तो ये नॉर्मल की ओर मुड़ेगा, तो इसलिए इस थोड़ा सा इधर जाएगा, और थोड़ा सा इधर जाने के बाद फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये नॉर्मल है, यहाँ पे अब डेंसर से रेयर में जा रहा है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा तो इधर की ओर जाएगा। मतलब ये कि जितनी भी रे ऑफ लाइट हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे वो डेविएट होकर के इधर की ओर जाएगा, बेस की ओर मुड़ जाएगा, इधर की ओर मुड़ जाएगा, बेस की ओर मुड़ जाएगा, तो जितनी भी हम रे ऑफ लाइट लेंगे वो सब की सब बेस की तरफ मुड़ जाएगा रिफ्रैक्शन के बाद, और ये सब इधर की ओर चला जाएगा। तो इधर की ओर रिफ्रैक्ट होने के बाद इधर की ओर मिलेगा नहीं, इसको हम ओ कह सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से मिलता हुआ लगता है कि ये किसी न किसी पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के मिल रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। तो यहाँ पर फोकस क्या हुआ, मिल वास्तव में नहीं रहे हैं, ये लग रहा है कि मिल रहे हैं, तो इसका फोकस जो होता है वो होता है वर्चुअल फोकस, वर्चुअल फोकस। और ये कैसा होता है फोकस, वर्चुअल फोकस है तो ये वर्चुअल फोकस है, और इसको हम कह सकते हैं यहां से कि लग रहा है जैसे डाइवर्ज हो रहा है, तो इसको डाइवर्जिंग लेंस कह सकते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। देखो ध्यान रखो नाम उल्टा है, यहाँ पे कनकेव लेंस वहां पर क्या था, कन्वर्जिंग कनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर था, कनकेव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है ना, तो इन दोनों में फर्क है, इस बात को दिमाग में रखना है। तो यहाँ पर भी आप चाहें तो ये दो रिफ्रैक्शन ना दिखा करके एक ही रिफ्रैक्शन आप इसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाने वाली लाइन पे दिखा सकते हैं, ठीक है ना, यहीं से दिखा सकते हैं। जैसे हम एक और डायग्राम बना दें तो ये कह सकते हैं कि ये ध्यान से देखें, ये है ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ से ऐसे चला गया, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ से ऐसे चला गया, मतलब डेविएशन दो सरफेस से ना दिखा के एक ही सरफेस दिखाएं, और ये दोनों यहाँ पे मिल रही हैं, इसलिए ये क्या है, फोकस है। तो ये चीज हम कहना चाह रहे हैं कि दोनों में ही, दोनों ही डेफिनेशन में अगर लेंस की फोकस की डेफिनेशन कही जाए तो बिल्कुल पहले की तरह हम बात कह सकते हैं क्या, कि फोकस ऑफ लेंस इज ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, इसी को प्रिंसिपल फोकस कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल रेज, रिफ्रैक्टेड रेज, रेज मीट्स मीट और सिम्स टू मीट, मीट और सिम्स टू मीट, मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस, ठीक है, इफ द इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब वही डेफिनेशन हो गई, इसमें कोई नया नहीं है कि अगर ऑल रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो उनके क्या होनी चाहिए, कि अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो इंसिडेंट होने के बाद वो फोकस से होकर के जाएंगे, रिफ्रैक्शन होगी टोटल, उसके बाद फोकस से होकर के जाएंगे, चाहे वो कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो। तो एक बात और दिमाग में रख सकते हैं कि फोकस क्या होगा, लाइट अगर इधर से जा रही है तो इसका फोकस क्या होगा, इसका फोकस होगा पॉजिटिव, है ना, बताया यहां से ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस ये फोकल लेंथ जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, और इसका हालांकि इधर भी एक फोकस होगा लेकिन तब रे ऑफ लाइट इधर से आएगी, तो रे ऑफ लाइट इधर से आएगी तो इधर फोकस होगा क्योंकि दोनों ही सरफेस तरफ से रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो इधर की तरफ चूंकि लाइट के डायरेक्शन में है और इधर भी डिस्टेंस हम लाइट की डायरेक्शन में ही मेजर करेंगे,
इसलिए वो भी पॉजिटिव ही माना जाएगा। तो दोनों ही फोकस क्या माना जाएगा? पॉजिटिव। इसलिए इसको प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, क्योंकि फोकस तो किधर भी होगा। अब लाइट इधर से जा रहा है तो इसको प्रिंसिपल फोकस कहेंगे, इसको सेकेंडरी फोकस कहेंगे, है ना। इसी तरह से लाइट अगर इधर से जा रही है तो इस फोकस को हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस, और लाइट अगर इधर से आएंगी तो तब ये प्रिंसिपल फोकस होता। दूसरा फोकस जो होता है इधर का प्रिंसिपल फोकस होता। जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है उस डायरेक्शन के हिसाब से हम फोकस प्रिंसिपल फोकस को डिसाइड कर सकते हैं। तो चूंकि लाइट इधर से जा रही है और डिस्टेंस ये इधर से इधर की ओर मेजर करना है, इसलिए इसका फोकस जो होगा वो क्या होगा, इसका फोकस यहाँ से यहाँ तक होगा फोकल लेंथ। तो इसका फोकल लेंथ जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव। ठीक है, तो इसका फोकल लेंथ जो होगा वो होगा निगेटिव और उसका फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव। ये बात आपको दिमाग में रखना है कि फोकल लेंथ कनकेव का क्या होता है, निगेटिव, कन्वेक्स का क्या होता है, पॉजिटिव। कनकेव का फोकल लेंथ, कनकेव लेंस का वर्चुअल फोकल फोकस होता है, और कनकेव का कन्वेक्स का क्या होता है, रियल फोकस होता है। ठीक है ना। तो अब इमेज फॉर्मेशन की बात करनी है हमें, और इमेज फॉर्मेशन की बात अगली क्लास में करते हैं। तब तक ये सारी चीजें आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो हम इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो टिल देन इस सब चीजों को अच्छी तरह से समझ लो, बार बार इसको रिवाइज कर लो, क्योंकि ये सारी चीजें बेसिक है, और बेसिक है इसलिए इसको समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, कि कनकेव क्या हुआ, कन्वेक्स क्या हुआ, और ये सारे प्रिंसिपल फोकस क्या हुआ। बाई कन्वेक्स लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ इसके पार्ट जो होते हैं वो कन्वेक्स होते हैं, है ना। इस तरह का ये भी उठा हुआ है, ये भी उठा हुआ है। इसी तरह से बाई कनकेव ये होता है, इधर भी धसा हुआ, इधर भी धसा हुआ। अगर ऐसा बन जाए तो इसको प्लेनो कनकेव का है, कन्वेक्स कहेंगे। इधर प्लेन है, इधर कन्वेक्स है। इसी तरह से अगर इधर प्लेन है और इधर कनकेव है तो प्लेनो कनकेव कहेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके का अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन वो सब आपको अभी जानना जरूरी नहीं है, इतना ही काफी है। वो आगे जाकर के आप 12th क्लास में सीखेंगे। अभी 10th क्लास के लिए जितनी जरूरत है उतनी बता दी है। इसको अच्छे से आप रिवाइज कर लो, और रिवाइज करने के बाद जो है अगले टॉपिक पे फिर बात करेंगे। चलो ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय। मन लगा के पढ़ो, अच्छा से पहले वाला भी रिवाइज कर लो, क्योंकि अब आगे जो आने वाला है वो इमेज फॉर्मेशन और लेंस फॉर्मूला की बात होगी। तो इमेज फॉर्मेशन एंड लेंस फॉर्मूला।